कानपुर देहात की भोगनीपुर कोतवाली के हरहरा गांव का प्रधान एक युवती को लेकर फरार हो गया। उसके विरुद्ध युवती को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस प्रधान व युवती की खोज कर रही है। यह घटना जिले में चर्चा का विषय बन गई। हरहरा ग्राम पंचायत के प्रधान दिलीप यादव रविवार शाम एक युवती को लेकर फरार हो गया। युवती के पिता ने बेटी की खोजबीन की। प्रधान के साथ बेटी के जाने की जानकारी मिलने के बाद वह रात में कोतवाली पहुंचे। वहां प्रधान के विरुद्ध बेटी के बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वही गाँव के मुखिया के इस कृत्य से उसके समर्थक व ग्रामीण हैरान है। ग्रामीणों ने बताया कि दूर दूर तक यह बात पहुंच चुकी है। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लापता युवती के पिता की तहरीर पर आरोपी प्रधान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसकी तलाश की जा रही है। क्या नाम है? दिलीप यादव द्वारा 20 तारीख को आपकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया। अच्छा, तो आपकी आपकी तरफ से भी क्या कार्रवाई? शिकायती प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया है? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस टाइम मांग रही है। इतना जल्दी क्या है? मतलब ये रुको का टाइम इतना जल्दी का है कि इलाहाबाद कलकत्ता आप बता रहे हैं। पुलिस टाइम मांग रही है, लड़की बरामद करने के लिए टाइम मांगा जा रहा है। अच्छा, ग्राम प्रधान एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और उसने इस गांव में ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो आप ग्राम प्रधान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सभी ग्राम प्रधान करने लगेंगे, सभी लड़कियों को छोड़ने लगेंगे, प्रधानी और ग्राम पंचायत। अच्छा, ये हरारा में जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि ये अपने साथ बुआ के यहाँ रहते थे। बुआ के तो बेचारे दिन रात थे, तो बुआ के तो है नहीं, उसके पास जाने के पास प्रधान के पास सबसे जो प्रधानी मिला भी वो सब बुआ खेल गया, बुआ वगैरह सब। भोगनीपुर का गांव हरहरा पड़ता है, जिसमें जिस गांव से एक 21 वर्ष की लड़की, उसी गांव के प्रधान जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, उसके साथ कहीं चली गई है। इस संदर्भ में लड़की के परिजनों ने एक मुकदमा लिखवाया है और FIR दर्ज कर लिया गया है। लड़की की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।